नमस्कार आदाब, मैं हूं अशरफ अली। आप देख रहे हैं जेट टीवी न्यूज 24। आज हम पहुंचे हुए हैं जिला मुरादाबाद नगर पंचायत डकिया। नगर पंचायत डकिया से वार्ड नंबर 4 से सभासद प्रत्याशी समीम अहमद, जो कि इन्होंने वार्ड 4 से ताल ठोक दिए। आखिर इनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर के समीम भाई चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो काफी संख्या में नगरवासी खड़े हैं और काफी समर्थक यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, नौजवान भी हैं। तो समीम भाई से हम पहले हम बात करेंगे। एक किसान हैं और किसान के बेटे समीम भाई से हम बात करेंगे, उसके फिर बाद में आपको जानकारी देते हैं। जी समीम भाई, क्या है जो चुनाव मैदान में उतरे, क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान? जी मैं मुद्दों को मतलब ये करने को उतरा हूँ कि मुझे विकास की जरूरत है। किस तरह का विकास चाहते हो आप? विकास यही है कि साहब सड़कों का नाले बनने हैं, सड़क पे मतलब सफाई नहीं होती, कब्रिस्तानों में दो चार जगह रास्ते नहीं है ऐसे जो बने हुए हों, जनाजा पानी में जाता निकल कर, ये है। यानी 5 वर्ष हो गए हैं, अब दूसरी बार नगर का चुनाव हो रहा है, सभासद का चुनाव किया जा रहा है, क्या इस वार्ड के अंदर अभी कोई इस तरह का विकास वगैरह नहीं हो पाया? कोई विकास नहीं हुआ साहब, इस तरह का अभी तक कोई विकास नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा। गरीब आदमी को कॉलोनी नहीं थी, कुछ की कॉलोनियाँ कटवा दी, कुछ को मिल गई है, कुछ को नहीं मिली। तो ऐसी क्या मेन समस्या है, यदि नगरवासियों ने आपको मौका दिया, बार चार से आप सभासद चुने गए, तो ऐसी मेन क्या समस्या है जो सबसे पहले आप वो हल करोगे? यही हल करूंगा साहब, मैं काम दूंगा लोगों को, नालों का काम दूंगा, सफाई अभियान पूरा करूंगा, कब्रिस्तानों पर रास्ता निकलवाऊंगा, जो जो मेरे बस की बात है वो करूँगा। क्या कब्रिस्तानों की ओर जाने के लिए कोई रास्ता वगैरह नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है तो पानी है बहुत अंदर। अच्छा, जब कोई जब किसी की मौत हो जाती है, जब जनाजे को लेकर के जाते हैं, तो किस तरह की परेशानी आती है ले आने जाते वक्त? बहुत परेशानी है साहब, पानी में को होकर निकलना पड़ता, हाँ कोई ऐसा रास्ता और नहीं। परसों एक मौत हुई थी तो वो नहर की तरफ को घुमा कर ले जाना पड़ा, रास्ते पर वो भी नहीं गई। क्या किसी जनप्रतिनिधि ने या इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने, ना चेयरमैन ने, ना किसी आदमी ने, जो मेंबर थे 8 नंबर 4 के, उन्होंने भी कोई ध्यान इस चीज पर नहीं दिया। तो समीम अहमद चुनाव मैदान में है। समीम अहमद ने समीम वार्ड 4 का सभासद बना, तो सबसे पहले जो है जो कब्रिस्तान की ओर जाने वाला रास्ता है, जहाँ की मौत हो जाती है और मय्यत को ले आया जाता है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जल भराव की समस्या रहती है और साथ विकास किया गया है। जी बिल्कुल, भेदभाव के साथ विकास हुआ है 5 सालों में। तो किस तरह का मतलब कहने का ये कि यहाँ नालों की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, यहाँ आज भी डकिया जो है विकास को जूझ रही है? बिल्कुल जूझ रही है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हर घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, दवा भी नहीं होती यहाँ पे मच्छरों के, जो नालियों में जो कीड़े मारने की दवा होती है वही 5 सालों में कोई दवा नहीं हुई है गली गली। जी समीम भाई, तो क्या अपने बाढ़ बाचू से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं यही अपील करना चाहता हूँ साहब कि मैं वार्ड नंबर 4 से खड़ा हूँ और मेरा निशान साइकिल का, मोटरसाइकिल का निशान आया हुआ है। सभी लोग, सभी भाई मुझे मिलकर कामयाब बनावें और उनकी आने वाली 4 तारीख में मेरे निशान पर मोहर लगा के कामयाब बनाए, मेरी कामयाबी इनकी कामयाबी हो, विकास की गंगा। आपके हमने मोहल्ले वालों ने सबने डिसाइड करके समीम भाई को खड़ा कराया, इन्होंने वादा किया है कि मैं काम करूंगा, अगर मैं जीता तो मैं ये नाले, साफ सफाई और स्वास्थ्य की व्यवस्था, खेल का मैदान, इन्होंने सब चीज़ों का वादा किया है और आपके हम दिलो जान से इन्हें ला रहे हैं, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। जब इनसे कहा गया है तब खड़े हुए समीम भाई? जी हाँ, हमने कही है इनसे, हम यहाँ भी रहते हैं, इधर बैठे रहते हैं, कैंटीन है, हमने कहा है इनसे, हमने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, बाकी सबको देख लिया, आपका तुम्हें भी देखते हैं, इंशाल्लाह आपका हम इनके साथ हैं, वोट से भी सपोर्ट से भी। का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले यही विकास वो कराएंगे। तो कुछ हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जिताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद है। शेर मोहम्मद जी, चुनाव चल रहा है और बाढ़ चाटते समीम भाई चुनाव मैदान में हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जो ये समीम भाई जो हैं, जो सही कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं बेचारे, सभी को परेशानी है यहाँ पर। किस तरह की ताओ परेशानी है? विकास नहीं हुआ है, ये कब्रिस्तानों के रास्ते हैं, नाले हैं, सब बेकार हैं। क्या आपको उम्मीद है समीम भाई सभासद बनने के बाद में, आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आप हाथ लगा रहे हो, तो पूरा कर पाएंगे? पूरा करेंगे इंशाल्लाह, पूरा होगा। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे।
जिताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान। समीम भाई बाढ़ साठ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा रहेगा इनका? मैं झाड़ू नहीं लगती और सफाई नहीं होती और ये कब्रिस्तान में जाती है तो 12% हो जाती है। साफ सफाई नहीं होती, स्वच्छ भारत अभियान चला रही सरकार, मगर यहाँ ढकिया के अंदर, नगर ढकिया के अंदर बाढ़ चार में आज भी जो है पलीता लगता नजर आ रहा है। ये यहाँ के नगरवासी इस बात को बोल रहे हैं। हमारे साथ एक युवा है, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, चुनाव चल रहा है और बाढ़ चार से समीम भाई चुनाव मैदान में है, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे? क्या कहेंगे भैया, नाले के बनने हैं इसमें, कब्रिस्तानों में बिल्कुल रास्ते नहीं है, गाँवों में निकल के जाते हैं, अब भी खेतों में को निकल के गए हैं, बहुत परेशानी पड़ती है हमें। सफाई भी होनी है इसकी, नालों में घास जम रही है, कोई काम। जैसे और सभासद चुने गए हैं बाढ़ चार थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा तो नहीं कि समीम भाई भी अगर को आप सभासद बना दो तो लगता है कि काम करा पाएंगे या उनकी काम बहुत बढ़िया करेंगे, हमें पता है इनका। तो कुछ हमारे साथ कुछ युवा और मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। जी सलमान जी, बाढ़ चार में कैसा सभासद होना चाहिए? समीम भाई भी इस समय चुनाव मैदान में है। जी जरूरी नहीं कि सभासद का मेंबर समीम जैसा हो, पर काम करने वाला हो। हाँ, विकास की गंगा रहने वाला हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या नालों की थी, जो इन्होंने बताया भी है, और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी नहीं है अभी तक, और रास्ते भी वही बने हैं, मुँह देख कर बने, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके घर पर रास्ते बन गए हैं, चाहे एक हवेली हो या दो, अब बनना मोहल्ले के आरे में निकल रहे हैं, बारिश में बहुत परेशानी पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ समीम अहमद, वार्ड नंबर चार के प्रत्याशी। इन्होंने बताया कि जो मेन मुद्दे हैं मेरे चुनाव को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के मैं वोट मांग रहा हूँ, सबसे पहला मुद्दा है यहाँ साफ सफाई, इस वार्ड चार के अंदर साफ सफाई नहीं होती है। दूसरा मुद्दा यह जल भराव, यानी कब्रिस्तान का जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है, जिसमें कोई मैयत हो जाती है तो उसे ले जाने में काफ़ी परेशानी पड़ती है। अच्छा, तीसरा मुद्दा इन्होंने बताया कि यहाँ नाला निर्माण ना होने की वजह से जो घरों का पानी है वो नाले में ही जमा हो जाता है और कभी कभी सड़क से बाहर हो जाता है, जिसके चलते मच्छर, मलेरिया वगैरह इस तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो समीम साहब ने यही जनता से वादे की हैं और इस वादों को लेकर के ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब 4 तारीख में यहाँ वोट पड़ने हैं, अब ये जनता किस ओर अपना फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना कैमरामैन मोइन अली के साथ मैं अशरफ अली, जेड टीवी न्यूज़, मुरादाबाद।